पालम विहार दिल्ली में बल्ब कैंसर केसेस आ रहे हैं। उत्तम लाइफ, मैंने ये चीज़ें ना मैंने 2020 में बोली थी। मैंने 2020 में बोली थी ये चीज़ें। अकेला युग परिवर्तन कर सकता है, मगर उसके लिए आपको वो युग परिवर्तन करने के लिए वो युग पुरुष जो है वो बनना पड़ेगा। आपको वो करने के लिए आपको वो युग पुरुष बनना पड़ेगा। आप है वो युग पुरुष चेंज करने के लिए। आपने कितने लोगों को जगाया, कितने लोगों को आपने जगाया, मैंने 2018 में भारत सरकार को लेटर लिखा था। मैंने 2018 में भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी साहब को पर्सनली एड्रेस करके हुए, मैंने 2018 में लेटर लिखा था भारत सरकार, नरेंद्र मोदी साहब, भारत 2025 आते आते 85% लोगों को कैंसर हो जाएगा। आप इन कैंसर पॉजिटिव चीज़ों पे अभी से ध्यान दीजिए, इसको बैन कीजिए, वरना भारत यानी भारत के लोग, भारत मैंने भूमि का टुकड़ा नहीं है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मुंबई से लेकर आसाम तक, ये भारत का टुकड़ा यानी भारत नहीं है, भारत के लोग यानी भारत है। अगर 85% लोगों का कैंसर हो जाता है तो आप किस पे राज करोगे? ये मैंने तब लिखा था। ये चीजों को बहुत सालों से मैं जगा रहा था, बहुत सालों से समझा रहा था। आप सोचिए कि आप जाके लोगों को समझाए तो लोग आपको पागल समझते हैं। मैं इस चीज पे गए 6 साल से समझा रहा हूं, बता रहा हूं, केसेस कर रहा हूं, हाईकोर्ट में जा रहा हूं, ये चीजों को समझो। अभी भी आपने बुरा समय देखा नहीं है। जीन किंग जी, हाउ टू डिटॉक्स पीपल, भाई साहब मैंने इसका जवाब 5 महीने पहले बोला था। मैंने 5 महीने पहले बोला था, जिन्होंने पनीर टिक्का लिया है वो जाके सफेद मूसली या काली मूसली दोनों में से एक जो भी मिल जाए वो हफ्ते में एक बार 1 चम्मच पानी में डाल के 3 महीने तक लीजिए। एक ही उसका रास्ता है, एक ही रास्ता है, और रास्ता नहीं है। सर कल राजस्थान में धमाके के साथ भूकंप आया, ओके, मदन लाला जी ने लिखा है, मुझे नहीं पता, कल की वीडियो देखी नहीं मैंने। मैंने कहा आपको वर्स्ट सिचुएशन अभी तक आपने देखी नहीं है। ये जो SV40 है ये सीमियन वायरस 40 का नाम है। ये SV40 पॉजिटिव है, जो अक्षय कुमार, जो अजय देवगन, जो रणवीर कपूर आपको आके बोल रहे थे ना, पनीर टिक्का लगाओ, पनीर टिक्का लगाओ, आज जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आया है, ओके, ऋषि जी ने लिखा है। इन लोगों को जाके पकड़ के, इनके कॉलर पकड़ के जवाब मांगो, क्यों तूने आके मार्केटिंग किया और हमको पनीर टिक्का लेने को बोला? जिन मंत्रियों ने तुमको पनीर टिक्का नहीं, तब तक घरों के बाहर नहीं निकलना है, जब तक पनीर टिक्का नहीं तब तक राशन नहीं, जब तक पनीर टिक्का नहीं तब तक पेट्रोल नहीं, ये कहा। अब जब तुमको एड्स हो रहे हैं, तुमको हार्ट अटैक आ रहे हैं, इनके घरों के बाहर जाके इनसे सवाल पूछो।
पूछो इनसे। अब ये नेजल टीका जो है ये लाने वाले हैं, 12 साल के छोटे बच्चों के लिए ये नाक का नेजल टीका ये लाने वाले हैं। परमिशन दे चुका है भारत सरकार, 4000 बच्चों पे टेस्टिंग एंड ट्रायल कर लिया गया है। अब ये बच्चों को पनीर टीका बाय नेजल स्प्रेज ये लाने वाले हैं। जिस तरह से आप पहले भी खामोश बैठे, बुढ़ों को मरते हुए आपने 60 साल के ऊपर के मरते हुए देखा, बच्चों ने माँ बाप को मरते हुए देखा, माँ बाप ने बच्चों को मरते हुए देखा, 18 साल के आगे भी। अब जो है वो आप 12 साल के नीचे के बच्चों को ये नेजल स्प्रे देते हुए और बाद में इन्हीं को हार्ट अटैक से मरते हुए देखोगे, बच्चों की लाशें आपको ले जानी पड़ेगी कंधों को और कुछ नहीं हो करोगे आप, कुछ नहीं करोगे। आपसे तो स्मार्ट नेपाली है, ढाई कम ढाई 3 करोड़ और बहुत स्मार्ट है, जिन्होंने कह दिया है हम अग्निवीर में हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे, तुमको जो करना है कर लो। वहां के राष्ट्रपति ने जो बिल आया, नेशनलिटी अमेंडमेंट बिल, उसको साइन करने से मना कर दिया। बात अलग है कि लोकसभा ने फिर से वो बिल पास कर दिया उनके और भेज दिया। अब उसको ऑप्शन नहीं है राष्ट्रपति को भी, उसको 15 दिन में वो बिल साइन करना पड़ेगा। समझा समझा के भारत नहीं समझ रहा है, श्रीलंका समझ गया, पाकिस्तान समझ गया, नेपाल समझ गया, भूटान समझ गया, इंडोनेशिया तक समझ गया। मैंने कहा ना सिर्फ भारत नहीं सुनता है मुझे, मुझे 120 करोड़ लोग सुनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। भले मेरे व्यूज कम दिखाते हैं ये, इस चीज को समझिए। तुम खामोश बैठोगे उसका फायदा वो लेंगे हमेशा, खामोश अच्छे लोग खामोश रहते हैं, इसे बुरे लोग जीत जाते हैं। इन चीजों को समझो, इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करने आने वाला है। इस बात को समझो, एक 116 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इस गए 6 महीनों में बड़े करोड़पति लोगों ने शेयर मार्केट में नहीं की है। आज की न्यूज है, आज का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज निकाल के देख लो, 116 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन बड़े उद्योगपतियों ने, इन बड़े बिजनेसमैन लोगों ने शेयर मार्केट में नहीं किए हैं। उन्होंने वो किए हैं रियल एस्टेट में और सोने में और चांदी में। और मैं आपको फिर से बोल दूं, भविष्य में आने वाले पीरियड में ज़मीन का भी वैल्यूएशन नहीं होने वाला है, रहने वाला है, ज़मीन का भी कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, घरों का भी कुछ नहीं रहने वाला है, ना सोने का रहेगा। आपको लगता है आपको सोना होना चाहिए घर में, अच्छी चीज़ आप रख सकते हैं, मगर एज अ वैल्यूएशन वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि गोल्ड बेस वैल्यूएशन जो है मनी का वो 1970 में ख़त्म हो चुका है। आप जो आज खरीद रहे हैं आपका शौक है, ये आपका शौक है, क्या
तो आज का रीडिंग दिखा देता हूँ मैं, आज का रीडिंग क्या है। कल एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ यानी पोस्टर आया था सांगली का, सचिन तेंदुलकर का फोटो लगा है और वहाँ पे लिखा गया है अब हर 6 महीने को रेगुलरली एड्स की HIV की टेस्टिंग करना ना भूले, ये नया नियम लगा ले खुद को। हीमोग्लोबिन टेस्टिंग ये हो, सचिन तेंदुलकर हीमोग्लोबिन टेस्टिंग ये, HIV टेस्टिंग मतलब एड्स टेस्टिंग मतलब। आज की डेट बिल्कुल जीरो जा रही है, बिल्कुल जीरो जा रही है आज, अभी कोई हार्म नहीं है, दोपहर के बाद में और बढ़ जाता है। दिखा था ये वन प्लस जा रहा था,